हेलो दोस्तों, किरण किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों चटपटी मैगी बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और सबको पसंद आती है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी मैगी बनाना। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों पैन को हीट कर लिया है और इसके गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे फॉर्चून ऑयल, ये 1 से 2 चम्मच है। आप इसमें देसी घी का या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कर लेंगे अच्छे से गर्म। तो दोस्तों, ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें डालूंगी कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियों में दोस्तों मैंने लिया है यहाँ पे एक छोटा गाजर काट कर, यहाँ पे मैंने एक आधा टमाटर कट कर लिया है, यहाँ पे एक छोटी मैंने मिर्च काट लिया हरी, क्योंकि ये मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, और ये मैंने यहाँ पे कैप्सिकम को कट कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक छोटे प्याज को कट कर लिया है। तो ये सारी सब्जियाँ इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें गाजर डाल दी और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। और यहाँ पे डालूंगी मैं एक कटी हुई मिर्च और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये हल्की सी भुन गई है, अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम और साथ ही साथ डाल देंगे हम कटा हुआ टमाटर। और यहाँ पे लिए दोस्तों मैंने फ्रोजन मटर। सारी सब्जियों को हल्के हाथ से चला लेंगे। पिंच ऑफ इसमें डालेंगे नमक और अगेन इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम दोस्तों इसको ढककर पका लेंगे, जिससे कि हमारी सब्जियां पक जाए अच्छे से। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर और हमने इसको ढकने रख दिया है। 1 से 2 मिनट हम पका लेंगे, जिससे कि हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों, 2 मिनट के बाद हम अपनी सब्जियों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी सब्जी हमारी पक गई है, टमाटर अच्छे से मैश हो रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे दोस्तों एक गिलास पानी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही मैगी बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे छोटा गिलास पानी डालूंगी। आप अगर 2 बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग डालिए। तो अब हम इसमें बॉयल आने तक रुकेंगे, इसमें बॉयल आने के बाद हम सिम कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, हम अगेन इसको सिम पे कर देंगे। तो इसमें करेंगे अब हम सीजनिंग। तो यहाँ पे मैं पिंच ऑफ लूंगी ब्लैक सॉल्ट, आधा चम्मच के करीब लूंगी मैं यहाँ पे पाव भाजी मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों मैगी में। पिंच ऑफ लूंगी मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच के करीब लूंगी मैं धनिया पाउडर, पिंच ऑफ लूंगी मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर। तो अब हम इन मसालों को 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे पानी में। यहाँ पे हमारे मसाले पक रहे हैं, तो यहाँ पे हम मैगी का टेस्ट मेकर डालेंगे इसके अंदर और 1 मिनट के लिए अगेन इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारी सब्जी और सूप बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें मैगी डालेंगे। तो मैगी को मैंने यहाँ पे टुकड़ों में तोड़ लिया है, आप चाहो तो साबुत भी डाल सकते हो। तो अब इसको आप हल्के हाथों से चला लीजिए और डिप कर दीजिए पानी के अंदर। तो दोस्तों बॉयल इसमें आ रहा है, अब हम सिम गैस पे इसको पका लेंगे ढककर। तो यहाँ पे मैं इसको ढक रही हूँ और हम इसको 10 मिनट तक के लिए पका लेंगे, जब तक मैगी पक जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपनी मैगी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी मैगी हमारी बॉयल्ड हो गई है, आप इसको एक बार चला लीजिए।
दोस्तों अभी हम इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, जब तक इसका सारा सूप सूख जाएगा। अगर आपको दोस्तों सूप ही खानी है तो ये रेडी है, बट अब अगर आपको ड्राई खानी है तो आप इसको थोड़ी देर और पका लीजिए। तो हम अपने मैगी को अगेन चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी मैगी बन के रेडी है बिल्कुल। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। तो ऑफ करने के बाद दोस्तों अब हम इसको सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म चटपटी मैगी को। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी चटपटी स्ट्रेट स्टाइल मैगी बन के बिल्कुल रेडी है। और दोस्तों अगर आपको ये चटपटी मैगी की रेसिपी मेरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। गुड बाय दोस्तों।